स्टूडेंट्स, मैं जो क्रोमियल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन यानी जो आईलिड्स के पास जो आंसुओं का रास्ता है उसको ऑब्स्ट्रक्शन होना, बंद होना, इस कंडीशन कहते हैं नोजोक्रोमियल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। 30% इन्फ्लुएंस एट बर्थ रिलेटिंग नरोइंग द डायस्टल नोजोक्रोमियल सिस्टम रिजल्टिंग डिक्रीज टीयर आउटफ्लो कॉज कॉन्जिनेटल डेक्रोमेटिस सेकेंडरी ट्रोमा ऑर्बिटल ट्यूमर्स वेरियस ड्यू एबनॉर्मलिटीज इन क्रैनियोफेशियल क्लेफ्ट। डिप्रेशन डायग्नोसिस कॉन्जिनेटल नेजोक्रोमियल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एमिनोसिल मीडियल सेंथस एनसेफेलोसिल। ट्रीटमेंट कॉन्जिनेटल डेक्रोस्टेनोसिस स्पॉन्टेनियस ओपन बाय वन ईयर ऑफ एज लैक्रिमल सैक मसाज इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज ड्रॉप्स ऑइंटमेंट इवन वन ईयर ऑफ प्रोबिंग एंड इरीगेशन ऑफ द नेजल सक्स फेल टू ड्रॉप सिलिकॉन ट्यूबिंग। ट्रीटमेंट क्रॉनिक डेक्रोमेटिस डेक्रोसिस्टाइटिस लेग सैक मसाज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोबिंग प्रोबिंग सिरिंजिंग एक जिसे हम ओटी प्रोसेस बोल सकते हैं जिसके द्वारा हम आंसू के रास्ते को खोलने की कोशिश करते हैं और लैक्रिमल जो सैक मसाज होती है उसके द्वारा हम आईलिड्स को खींचते हैं जिसमें लोकल लैंग्वेज बोलते हैं खींचना और उसको छोड़ना इस मसाज को बोलते हैं जिससे क्या आंसू का रास्ता खुल सकता है। पर ऐसा अगर कंडीशन में नहीं हो तो साथ में एंटीबायोटिक्स और प्रोबिंग सिरिंजिंग कंडीशन को भी यानी ओटी प्रोसेस को भी किया जाता है। अब ट्रीटमेंट एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस पुरुरेंट मेटेरियल जेंटली कंप्रेस ऑफ्टन ग्राम स्टेन कल्चर एंड जब सेंसिटिविटी टेस्टिंग पेन कंट्रोल वार्म कंप्रेस न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स इपोफोरा जो कि कंडीशन होती है जिस कारण से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन नेजोल डक्ट यानी 5% ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो इपोफोरा के कारण होता है नेजोलैक डक्ट। डिप्रेशन डायग्नोसिस ग्लूकोमा कॉर्नियल इब्रेशन कंजक्टिवाइटिस क्रैटाइटिस एलर्जी एंड फॉरेन बॉडी। ट्रीटमेंट मसाज आफ्टर वन ईयर ओल्ड प्रोबिंग। दूसरा है स्यूडोस्ट्रोबिस्मस यानी एपिकैंथस कॉमन साइन ऑफ बेबीज एक्स्ट्रा फोल्ड्स ऑफ द अपर एंड लोअर मीडियल कैंथस स्ट्रोपिक अपीयरेंस इस फर्स्ट टेस्ट ऑफ कन्फर्म टिपिकल डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन। पेटोसिस यानी आंख कपल का झुका होना एक तरफ ड्रॉपिंग द अपर लाइड डिस्ट्रोपी ऑफ द लोअर मसल्स कॉन्जिनेटल पेटोसिस अनिनेट्रल और बाइलेट्रल माइल्ड कवर द मोर देन 1 mm ऑफ कॉर्निया मॉडरेट 3 mm सीवर 4 mm और मोर इफेक्ट द विजन ऑफ कॉस्मेसिस वैल्यू। ब्लेफरेटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लीड मार्जिन रेड स्वेलन विद नेबराइज टू टाइप्स स्क्वामस अल्सरेटिव स्ट्रेप्टोकोकस ब्लेफरेटिस इरिटेशन रेड वार्म एम्फिटोलोबिक सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवाइटिस स्टाई एंड कैलेजियन। स्टाई एक्सट्रमेशन होडियोलम एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आईलिड्स फॉलिकल्स का समटाइम्स इन्वॉल्व्स मोल एंड जेस ग्रांट्स कॉज हाइजीन्स क्रॉनिक ब्लेफरेटिस ट्रीटमेंट हॉट कॉम्प्रेस एंटीबायोटिक्स टॉपिकल्स दी जाती है सिस्टमेटिक एक्सरसाइज किया जा सकता है। लास्ट में सिस्ट एंड मोल ऑफ मोल इंटरनल जिसको बोलते हैं होडियलम एक्यूट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है एट द मियोलोबियन ग्लैंड का एडवांटेजमेंट फ्रॉम मियोबिलाइटिस एंड क्रॉनिक ब्लेफरेटिस रेडनेस स्वेलन एट द डार्सल प्लेट ट्रीटमेंट सेम एज टाइप एंटीबायोटिक्स एंड इंसिजन। कैल्यूजियम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द म्योबियन ग्लैंड कॉज बी स्लोग्स डक्ट्स इरिटेट प्रेशर टू द कॉर्निया कॉज इरिटेशन एंटी ग्लेशन इंसीजन देते हैं स्टोर्ड इंजेक्शन देते हैं। कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल वायरल एंड क्लैमाइडल एलर्जिक इन्फेक्शन बैक्टीरियल होता है पोलन डिचार्ज गोनोकोकल स्टेरोफाइलोकोकल निमोनी कैन कॉज कॉर्नियल अल्सर्स ऑप्लिफिकेशन प्रोलिफिकेशन सेलुलाइटिस ट्रीटमेंट जेंटामाइसिन इरिथ्रोमाइसिन एंड बैक्टीरियल ये एक आई डिजीज के कारण छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस वाटरी डिस्चार्ज होता है 1/9 आँख में होता है प्रोबैटल पेन हर्पस सिंप्लेक्स कंजक्टिवाइटिस वेसिकल डिस्चार्ज म्यूकस कैन कॉज डेंट्रिक कैरनाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एपिफोरा इसिनेस रेडनेस फोटोफोबिक काइमोसिस सॉरी एलर्जी टू पोलन एनिमल्स एंड फूड्स नेस्ट चिल्ड्रन में भी हाई फीवर एक्जिमा एस्थमेटिक ट्रीटमेंट टॉपिकल एस्थमेटोमिन और एलर्जिक जिसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन्फेक्शन कॉन्जिवाइटिस 20 days फ्रॉम बर्थ यानी 20 days से अगर कम है
सॉरी ज़्यादा है तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेटर में कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम, कॉज बाय गोनोरिया, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस, न्यूमोकोकस, क्लैमाइडिया, हर्पस सिंप्लेक्स, कैन प्रिवेंटेड द कॉर्निया कॉज ब्लाइंडनेस, अगर कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस, उसके बाद लेते हैं कैटरेक्ट, मैच्योर्ड कैटरेक्ट 3 mm एट सेंट्रल नीड टू बी रेफर्ड, ए बायलेटरल सर्जरी नीड टू डन विद इन 2 weeks बर्थ, स्मॉल कैपेसिटी मॉनिटर, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट 3 to 8 years नीड अर्जेंट सर्जरी। मैच्योर कैटरेक्ट किसी के बच्चों में होते हैं, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान या सीजन दौरान के बच्चों की आँख पर किसी ट्रोमा के कारण कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। उसमें जो ट्रीटमेंट्स में नीड यही होता है कि जो लेंस की पार्ट खत्म हो गई और कैटरेक्ट कंडीशन डेवलप हो गई, और सर्जरी में हमने कैटरेक्ट को रिमूव करके वहाँ पर लेंस को वहाँ डाल दिया, पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इन्फेंट की एज पे। पोस्ट कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, सर्जरी एंड आई ग्लासेस, मस्ट सर्जरी है, कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा प्रेजेंट एट बर्थ, मैनिफेस्ट डिफरेंशियल कंप्रेस बाय एडल्ट चिल्ड्रन, आई मोर इलास्टिक सो इट स्ट्रेच विद प्रेशर, साइन बफ्थोमेरस, कॉर्निया एडिमा, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, डायमीटर कॉर्निया 3 to 30 meters, mm एंडोथेलियम ब्रेक्स, यूजली अनलेटरल एलिवेटेड IUP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर एंड क्यूबिंग, कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा। कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा होता है ट्रीटमेंट सर्जरी जेनोटोमी ऑफ ट्यूबुलोटोमी ट्यूबुलोटोमी जिसको बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेस एक्सक्रेशन करते हैं, VA लेस देन 5/15 ड्यू टू डैमेज ऑप्टिक नर्व एंड कॉर्नियल ऑफलिफिकेशन। सेकेंडरी ग्लूकोमा हाइफीमा ट्रोमा रेटिनोपैथी एंड प्रीमेच्योरिटी रेटिनोब्लास्टोमा पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी रूबेला सिंड्रोम। रेटिनोब्लास्टोमा रेटिनो कैंसर होता है, डिटेच टू अर्ली बर्थ, हेरिडिटी नीड टू ड्यू टू जेनेटिक टेस्ट, नीड अर्ली डायग्नोसिस कैन बी फिटल निस्टगमस देन लियोकोर्सनिया वाइट पीपल, ट्रीटमेंट एनुसिरिकलेशन कीमोथेरेपी 93% सक्सेस भी हो जाती है। जेनेटिपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी ROP डिपेंड्स ऑन इमेच्योरिटी ऑफ बर्थ लेवल, इफ ROP फ्रीक्वेंट, अगर बच्चे का वेट 2000 ज़्यादा है तो इनफ्रीक्वेंट है, अगर बच्चे का वेट 1500 है तो ROP कंडीशन हो सकती है, अगर बच्चे का वेट 1250 से भी कम है, अगर 28 वीक से कम है तो अनलेबल है। ऑप्थल्मोलॉजी असेसमेंट 1500 ग्राम सीवियर ROP कॉम्प्लिकेशन चेंज एट पेरिफेरल पॉजिटिव रेटिना स्ट्रेचिंग विट्रो रेटिनल कोजिंग डिटेचमेंट एंड रेटिनल फॉल्ट्स। थैंक यू एवरीवन, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। इसमें कुछ आई की छोटी छोटी डिजीज थी और जो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन था।